धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का कुत्सित प्रयास किया था जब यूपीए गवर्नमेंट थी। ऐसे ही कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बना करके अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था, कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया था। बीजेपी और एनडीए ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने उस वहां के ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को दिया था। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाया है। वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी ने 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके पिछले 14 वर्ष से लगातार ओबीसी के आरक्षण के अधिकार पर उन्होंने पूरी तरह एक प्रकार की डकैती डाली है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कोलकाता हाईकोर्ट को, जिन्होंने टीएमसी के इस प्रकार के असंवैधानिक कृत्य पर जोरदार तमाचा मारा है और धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है बात स्पष्ट कहते हुए उन्होंने सभी मुस्लिम जातियों को इससे बाहर किया है। इसी प्रकार से बिहार के अंदर लालू जी पहले ही बोल चुके हैं कि मुसलमानों को, सभी मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब आरक्षण कहां से मिलेगा? यह आरक्षण यही ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण में से ये बांट करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी तो अपने जन्मजात हिंदू विरोध, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के विरोध का नाम ही इन्होंने बना दिया, उसका पर्याय ही बना दिया है। चाहे वह राम जन्मभूमि का विरोध रहा हो, राम भक्तों पर गोली चलाने का रहा हो, या फिर 2012 और 2014 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की थी और यहां तक इन्होंने शरारत की थी कि तुष्टीकरण की हद पार करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की उस समय की 20 करोड़ की आबादी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए पीएसी की 54 कंपनियों को इन्होंने समाप्त किया था। और उस समय इन्होंने पीएससी की भर्ती जो निकाली थी उसमें इन्होंने प्रयास किया था कि 15% मुस्लिम आरक्षण हो। माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था। ये जो होड़ है एक खतरनाक होड़ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था इसका, मुस्लिम आरक्षण का, क्योंकि देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था और उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण देश के अंदर नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है। और दूसरा, मुस्लिम आरक्षण असंवैधानिक भी है और अगर इस प्रकार की
कुप्रथा को थोपने का प्रयास होगा तो देश की अखंडता के लिए एक चुनौती होगी। महाराज जी, कोई कोटे में कोटा डेवलप कर रहा है, क्या इसे अगर ये ऐसा करने में सफल होते हैं तो क्या वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं होगी? जो ओबीसी जिनको संविधान के अनुसार आरक्षण मिला है उनका हक मारा जाएगा, तो एक नए संघर्ष की स्थिति बनती है? देखिए, हमने कहा ना, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का पान है और भारत के संविधान की मूल भावना के विरुद्ध भी है। ये असंवैधानिक कृत्य है, इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।